Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the CSIRE Visionary 2019 Section C. दोबारा लेक्चर 8 पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने पिछले लेक्चर में हमने 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अगेन वी विल डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर टॉपिक दैट इज अर्थ साइंस. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सीइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट is which of the following situation is most detrimental to the stability of a dam. ठीक है, तो stability of a dam मतलब कि dam अच्छे से क्या खड़ा हो कहीं पे. ठीक है, stability का अर्थ यही है कि आराम से वो sustain करे बहुत लंबे duration तक. This is the stability of a dam. ठीक है, तो डैम की स्टेबिलिटी के लिए आप कैसे डिफाइन करोगे. ठीक है, यहाँ पे दिया है सबसे पहला ऑप्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डायग्राम ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा. ओके, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा विल बी लाइक दिस, इट विल लाइक प्लेन. ओके, और इसके ऊपर हमने डैम को रखा है. ठीक है, तो वाटर विल बी बिहाइंड दिस. ओके, सो द वाटर विल बी सिपिंग. ओके, यहाँ पे वाटर क्या होगा, सिप करेगा आराम से, लेकिन इट विल नॉट इफेक्ट व्हाट, इट विल नॉट इफेक्ट डैम्स स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे डैम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि पानी तो फ्लैट सरफेस पे है. ठीक है, तो डैम कैन बियर इट. ओके, तो दिस इज नॉट योर आंसर बिकॉज इट इज नॉट डिट्रीमेंटल दैट मच. ओके, नाउ कम्स बेड्स विथ जेंटल अपस्ट्रीम डिप. ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम डिप का अर्थ क्या है, क्या है, ये आपका कर्व है. ठीक है, ये आपका लैंड है. ठीक है, अपस्ट्रीम डिप मतलब डिपिंग मतलब अपस्ट्रीम में हुआ होगा. डिप मतलब समझ लो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक एंगल से ऐसे उठा हुआ है जमीन. ठीक है, डिप्ड है. तो यहाँ पे अगर आपका डैम है, सपोज करो यहाँ पे आपका डैम है, दिस इज योर डैम, देन अगेन द वाटर विल कम. ओके, एंड इट विल सिप हियर. ठीक है, इट विल सिप, इट विल नॉट डेफिनेटली, ये तो कभी आपके डैम को हैम्पर नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि डैम क्या है आपका, यहाँ पे भी ये पानी को बियर कर सकता है. ठीक है, फ्लैट पे भी बियर कर सकता है और यहाँ पे भी बियर कर सकता है. तो दिस विल नॉट ऑल्सो बी योर आंसर. ओके, बेड्स विथ जेंटल अपस्ट्रीम, ये भी आपका आंसर नहीं होगा. बट इफ यू कंसिडर बेड्स विथ ए जेंटल डाउन स्ट्रीम, तो ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है, ये स्लोप है और स्लोप पे आपने डैम को ऐसे बनाया है. ठीक है, तो इफ वाटर विल कम एंड स्टोर हियर, इट विल डेफिनेटली टेक व्हाट, इट विल डेफिनेटली टेक योर व्हाट, सॉयल. ठीक है, जो इस रॉक पे वो बना है उसको भी ये पानी क्या करेगा, इट विल रिमूव दिस वाटर एंड रिमूव दिस बेडिंग लेयर. ठीक है, तो इस बेड को रिमूव करने में ये क्या करेगा, मदद करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, डैम जो होगा वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगी क्योंकि ये क्या होगा, ये पानी के साथ स्टेबल डिस्टेबल हो जाएगा. तो डिस्टेबल होते ही डैम टूट जाएगा. तो आंसर आपका डेफिनेटली क्या है, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, अब यहाँ पे आता है फिर अल्टरनेट कॉम्पिटेंट एंड इनकम्पिटेंट हॉरिजॉन्टल बेड्स. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप सीमेंटिंग मटेरियल यूज करके भी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस केस में, लेकिन इसमें नहीं कर सकते. इसमें आप सीमेंटिंग मटेरियल यूज करके आप इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बट इसमें नहीं बना सकते हैं. तो इस केस में आपका इट विल डेफिनेटली द मोस्ट डेट्रीमेंटल टू द स्टेबिलिटी ऑफ डैम, द आंसर विल बी थर्ड. ओके, समझ में, वेरी क्लियर. Question they are asking, a sandstone comprises 70% of the quartz, 5% feldspar, 20% matrix and 5% mica. This sandstone is most likely A. Okay, so you have to remember this diagram. Okay, if it is a diagram of arenite, ठीक है, यहाँ पे arenite का diagram दिया है. तो arenite के diagram में क्या आप सोचोगे कि feldspar जो होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे feldspar आपका 90% से लेके, ठीक है, बीच में है, ठीक है, 90 से 70% के बीच में है,
अब फ्रेट्सपैथिक एरनेट की बात करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेट्सपैथ दिया कितना है, 5% दिया है, तो फ्रेट्सपैथिक एरनेट विल नॉट बी योर आंसर, ये तो होगा ही नहीं आपका। फिर आते हैं आर्कोज पे, ठीक है, तो आर्कोज पे क्या होगा कि आर्कोज पे आपका 55% तक आपका क्वार्ट्ज कंटेंट होगा, ठीक है, और 30% के पास पास आपका फ्रेट्सपैथिक होगा, ठीक है, तो आर्कोज भी कहीं बीच में है, ठीक है, तो ना ही क्वार्ट्ज यहाँ पे 50% है, 55% है, ना ही आपका जो फ्लेट्सपार है वो 30% है, तो दिस विल नॉट बी योर आंसर, ठीक है, आर्कोज भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आर्कोज तो बीच में लाई करता है आप, ठीक है। इफ यू कंसिडर व्हाट, क्वार्ट्ज एरनेट की बात करते हैं और क्वार्ट्ज वेक की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो क्वार्ट्ज एरनाइट जो है, दैट इज हार्ड एंड फास्ट रूल, क्वार्ट्ज एरनाइट के लिए आपका ग्रेटर देन 90% SiO2 होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, ठीक है, सिलिकेट ऑक्साइड होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पे 70% दिया है, ठीक है, तो 70% में आपका क्वार्ज वेग जरूर हो सकता है, सो द आंसर विल बी दिस वन, व्हाट, दिस वन विल बी योर आंसर, व्हाट, क्वार्ज वेग, क्वार्ज एरेनाइट भी आपका आंसर नहीं होगा, क्वार्ज एरेनाइट के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि उसमें आपका 90% तक क्वार्ज होना चाहिए, ठीक है, और 5% फ्लेट्स पर से कम होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे क्वार्ज वेट में जो है वो पॉसिबल है कि वहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो दिस विल नॉट बी योर आंसर, ओके, तो ये डायग्राम भी आप याद रखो, क्योंकि इट इज रिपीटेडली कमिंग इन द एग्जाम्स अबाउट दिस डायग्राम, ओके, यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिया होगा और आपको निकालने बोला होगा, यहाँ पे लिथिक एरेनाइट भी एक बार ऑब्जर्व कर लेना, लिथिक एरेनाइट के लिए क्या क्या है, रॉक फ्रेगमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लिथिक वैग भी है, फ्रेट्सपैथिक वैग भी है, मर्स्टोन भी है, ठीक है, ये सब आप ऑब्जर्व कर लें थोड़ा, ओके, दिस क्वेश्चन, ओके, अगेन देयर इज अ न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, ओके, इट इज ऑलरेडी केम इन पास्ट ईयर पेपर्स अबाउट व्हाट, लेमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है, लेम्स कॉन्स्टेंट, लेम कॉन्स्टेंट इज रिपीटेडली कमिंग इन द एग्जाम, सो इट इज आस्किंग इन ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम द पी वेव ट्रेवल्स 1.0 टाइम फास्टर देन द एस वेव, ओके, द रेशियो ऑफ लामडा अपॉन म्यू ऑफ द लेमेंस कॉन्स्टेंट ए विल बी, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है, तो अगर फॉर्मूले पे चलेंगे तो हमारा क्या होगा कि लेम कांस्टेंट, अगर हम लेम कांस्टेंट की बात करें, लेम कांस्टेंट, ओके, सो लेम कांस्टेंट हैज टू फॉर्मूला, ओके, लेम कांस्टेंट हैज टू फॉर्मूला, ओके, इलास्टिक मीडियम ऑफ लेम कांस्टेंट हैज टू फॉर्मूला, द फर्स्ट वन इज लैम्डा इक्वल टू के माइनस 2/3 म्यू, ओके, यहाँ पे के क्या है आपका, के है आपका बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, और म्यू क्या है आपका शियर मॉड्यूलस, ओके, ये है फर्स्ट वाला, फर्स्ट लेम कांस्टेंट, ठीक है, सेकेंड लेम कांस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड लेम कॉन्स्टेंट, ओके, दैट इज म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका टाउ अपॉन वाई, ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन एलोंगेशन, ठीक है, जो कि आपका यंग्स मॉडुलस के बराबर है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, +2 में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है कि पी वेव ट्रेवल्स 1.0 टाइम फास्टर देन दी एस वेव, ओके, सो दीज आर टू फॉर्मूलाज आई एम गिविंग यू, इफ इन फ्यूचर इट इज कमिंग यू कैन आंसर इट वेरी इजिली, ओके, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला, ओके, सो देर इज ए इलास्टिक वेव डिराइव्ड लेम्स कॉन्स्टेंट, ओके, लेम्स कॉन्स्टेंट, ओके, सो दिस विल बी लैम्डा इक्वल टू हियर डेंसिटी
Vp square minus 2 Vs का square, ठीक है। तो ये आपका होता है पहला इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें कि आपका फर्स्ट लेम कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। दूसरे लेम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी वी एस का स्क्वायर, ओके। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ओके, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ यू कंसिडर लामड़ा अपॉन म्यू, दिस विल गिव राइज टू वी पी अपॉन वी एस होल स्क्वायर माइनस टू, ओके। सो हियर यू कैन सी इट इज गिवेन 1 पॉइंट टाइम फास्टर, तो पी वे 1 पॉइंट टाइम फास्टर है, तो इसका रेशियो भी 1 पॉइंट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू हो जाएगा। तो ये 2.25 माइनस टू दैट इज 0.25, सो द आंसर विल बी 0.25, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर एंड यूज इट फॉर द एग्जाम, ओके। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज रिपीटेडली कमिंग फ्रॉम the section that is monsoon dynamics, okay, monsoon dynamics अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, monsoon dynamics, okay, monsoon dynamics is very very important, it is given that a monsoon enters the west of Bengal and Bangladesh from the south and southeast direction, it is absolutely true, okay, again the Arakan hills along the coast of Myanmar deflects the monsoon wind of the Bay of Bengal towards the Indian continent. It is also absolutely true. Okay. And it is, that's why, because Arakan Hill yahan pe Myanmar mein maujood hota hai, theek hai, yahi aapke wind ko deflect karta hai Indian subcontinent ki taraf, theek hai. So ye bhi aapko pata hona chahiye. So that's why option 3 will be answer. A and R are true and R is the correct explanation of the A. So you can observe it here. This is the Arakan Hill. ठीक है, ये आपका आरकान हिल्स है, ठीक है। तो मॉनसून का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके एंट्री कर रहा है, तो साउथ ईस्ट से एंट्री किया, ठीक है, साउथ ईस्ट बन के एंट्री किया, साउथ से घुस रहा है, नहीं तो साउथ ईस्ट से घुस रहा है, किसके वजह से, आरकान हिल से डिफ्लेक्ट होते हुए। सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली ए एंड आर बी ए, assumption is true as well as reason is true and reason is the correct explanation of the A, okay. So यहाँ से आपको very very clear आप देख सकते हैं pattern भी, यहाँ पे आपने pattern दिखाया है, ठीक है, pattern of monsoon winds, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, monsoon winds, ठीक है। तो ये आपको very very easy है, ये तो आपको बस समझने वाली concept है, ठीक है। Now in the next question they are asking क्ले मिनरल एंड देयर कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, दिस इज योर शॉर्ट मैचिंग क्वेश्चन, सो बिफोर एंसरिंग दिट यू शुड नो सम फैक्ट्स दैट केओलिनाइट इज ए वाइड स्प्रेड 1:1 क्ले मिनरल विथ ए लो एंड लो सरफेस, लो सी ई सी, ठीक है, इनकी लो सी ई सी होगी एंड लो सरफेस एरिया एंड लो कोलाइडल एक्टिविटी होगी इसकी, ठीक है। अगर कन्वर्सली मॉन्ट मोरिलोनाइट और स्मेक्टाइट, ठीक है, ये स्मेक्टाइट ग्रुप है, ठीक है, स्मेक्टाइट ग्रुप है, Mont Morillonite and Smectite dominant clay is in soil for semi-arid region belong to 2:1 clay minerals category and has high CAC and high surface area and high colloidal activity, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 1:1 clay जो होता है low surface area होता है, 2:1 clay जो होता है उसका ज़्यादा surface area होता है, ठीक है। तो ये इनकी categories हैं, clay की categories हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या आप देख सकते हैं जो केओलिनाइट है उसका सी ई सी कम है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, जबकि स्मेक्टाइट का देखिए आप ज़्यादा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया तो ज़्यादा सी ई सी, ठीक है। तो इस वजह से आपका केओलिनाइट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, स्मेक्टाइट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और क्लोराइड जो होगा वो बीचों बीच होगा, ओके। दिस वाज योर आंसर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यही था सीक्वेंस आपका, ओके। दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आपको ये चीज पता है कि विंड जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, ठीक है, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन, ठीक है।
तो इसी में क्या लगेगा, पी जी एफ दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगा, दैट इज पी। ओके, नाउ देयर इज ऑलवेज, मतलब विंड का जो एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ विंड, ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में लगेगा फ्रिक्शनल ड्रैग। फ्रिक्शनल ड्रैग जो होगा वो एक्चुअल डायरेक्शन के अगेंस्ट में लगेगा, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो ये लगेगा किस, इसको क्या बोलेंगे, एफ, ठीक है, और कोरलिज फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा जिस तरफ इसको टर्न करना होगा, ठीक है, जिस तरफ हवा जा रही होगी उसको टर्न कराएगा, तो टर्न कराने के लिए इसको इसी डायरेक्शन में होना होगा, दैट इज सी, ठीक है, तो दिस इज आवर सी। सो इसके वजह से आप देख सकते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पी, ठीक है, एक्स की बात करें तो ये फ्रिक्शनल ड्रैग होगा एफ, एंड जेड तो कोरिलीज होगा। दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल, दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल। ओके, बस आपको इसको समझना था, ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। ओके, हियर वी आर फिनिशिंग दिस लेक्चर, एंड डू वॉच दिस टू प्लेलिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द एग्जाम इज कमिंग ऑन 19, सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड, एंड इफ नॉट यू वॉच दिस वीडियोज एंड लर्न द कॉन्सेप्ट, एंड हैव ए नाइस डे।